हेलो बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ का EVS का लेसन 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेंस ऑर्गन के बारे में बताना चाहूँगी। सेंस ऑर्गन को हिंदी में ज्ञानेंद्रियाँ भी कहते हैं। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स। पहला होता है हमारी आँखें यानी आइज, जिसके थ्रू हम देखते हैं। सेकंड हमारा सेंस ऑर्गन होता है हमारी नाक यानी नोज़, जिसके थ्रू हम सूंघते हैं। तीसरा हमारा सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे कान यानी ईयर्स, जिसके थ्रू हम सुनने का काम करते हैं। चौथा हमारा सेंस ऑर्गन हमारी जीभ होती है यानी टंग, जिसके थ्रू हम कोई भी खाना जब हम खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है, खट्टा, मीठा, तीखा, वो हमें हमारे टंग के थ्रू पता चलता है। पांचवा हमारा सेंस ऑर्गन हमारी त्वचा होती है, जिसके द्वारा हम पदार्थों को छूकर महसूस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है कि क्या मनुष्यों की तरह पशु पक्षियों में भी सेंस ऑर्गन होते हैं? क्या वो भी हमारी तरह देख, सुन, सूंघ और महसूस करने की क्षमता रखते हैं? इसी के बारे में ये हमारा चैप्टर है। तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं बेटा हमारा। इसमें दिया हुआ है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्कूल के मैदान में बैठ के खाना खा रहे हों और कोई चील आसमान से आकर फुर्ती से आपकी रोटी लेकर चली गई, या फिर कभी आपने एक सोए हुए कुत्ते के पास आप गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए हों। इनका मतलब है, बहुत बार आपने देखा होगा कि आप बगल से, जैसे बास सड़क पे कुत्ता बैठा है और आप सोचते हो कि हम एकदम से धीरे से उसके बगल से गुजरते हैं, लेकिन आप कितनी भी धीरे जाएं उसको एहसास हो जाता है और एकदम से उसके कान खड़े हो जाते हैं। या फिर आप घर पे खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया हो। आपने देखा होगा कि आप कभी कभार घर में बैठकर मीठा खाते हैं, या फिर चीनी के या उस मीठे के कुछ चूरा या उसके कुछ टुकड़े फर्श पे गिर जाते हैं और वहाँ कुछ ही सेकंड के अंदर चींटियों की लंबी लाइन लग जाती है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है तो कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। यानी कई जानवर जो होते हैं उनमें देखने की इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि वो मीलों से भी अपने शिकार को देख सकते हैं, और किसी किसी जानवर में इतनी अधिक सुनने की क्षमता होती है कि वो हल्की से हल्की आहट को भी सुन सकते हैं, और कई जानवरों में सूंघने की इतनी क्षमता होती है कि वो अपने साथी को सूंघ कर भी ढूंढ लेते हैं। तो क्यों है ना जानवरों की अजब दुनिया। बेटा अब हम आते हैं पेज नंबर 2 पे, कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई और बिल के बाहर जो चींटी पहरा दे रही थी उसने उसे पहचान लिया और अपने बिल में घुसने दिया। अब बताइए, आप बताओ, सोचो और बताओ कि इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली जो चींटियाँ हैं वो दूसरी टोली की हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया था ना बेटा कि चींटियों में सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी गंध से उन्होंने पहचान लिया कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। ठीक है, अब है पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। तो जाहिर सी बात है, अब वो अपनी टोली की है तो उसको भी उन्होंने सूंघ कर पहचान लिया कि ये हमारी ही टोली की है। करके देखो और लिखो। अब ये बेटा आप घर पर करके देख सकते हैं कि जैसे आप घर में चीनी के कुछ दाने, गुड़िया, कोई भी मीठी ज़मीन पे चीज़ रख दो, कोई भी चीज़ ज़मीन पर रखें और आप इंतज़ार करो, वेट करो कि कितनी देर में चींटियाँ आ रही हैं। ठीक है, आपको, आप घर पे ये ट्राई कर सकते हैं खुद से। अब आप देखेंगे क्या सबसे पहले एक चींटी आई या एक साथ सारा झुंड आ गया। तो आप देखते होंगे कि पहले एक चींटी आती है, उसके बाद धीरे धीरे लाइन बनकर सारी झुंड इकट्ठा हो जाता है। फिर है चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं। आपने देखा होगा कि वो सारी खट्टी होके उसको अपने बिल की तरफ ले जाती हैं।
वे उस जगह से कहाँ जाती हैं, मतलब जो चींटियाँ हैं वे वहाँ से कहाँ की तरफ जाती हैं, तो वे वहाँ से अपने बिल की तरफ जाती हैं। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? तो आपने देखा होगा कि चींटियाँ जब जाती हैं तो वो एक के पीछे एक लाइन बना के चलती हैं। पढ़ते हैं, ध्यान से देख करना आप ये जो अब आगे वाला स्टेप करेंगे जो आप चींटियों के साथ कर रहे हैं, बिना चींटी को नुकसान पहुंचाए वो जो चींटियों की लाइन वहां से जा रही है उससे पेंसिल से कुछ देर के लिए उनका रास्ता रोकना, फिर देखना चींटियां कैसे चलती हैं। आप ध्यान पाएंगे कि जो चींटियां हैं ना बेटा, वो कुछ देर जब पेंसिल वहां पे रखी रहेगी ना तो उस पेंसिल के ऊपर से ही अपना रास्ता बना लेंगी। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने भी हमारी तरह इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रयोग अपने घर पे किए थे, और वो ऐसा प्रयोग करने के बाद में इस नतीजे पर पहुँचे कि जब चींटियाँ चलती हैं तो ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ जाती हैं जिससे सूंघकर जो पीछे आने वाली चींटियाँ जो होती हैं ना वो उनकी सूंघकर पता लगा लेती हैं कि वो किस रास्ते जाती हैं या कहाँ पर जा रही हैं। क्या आप बता सकते हो जब चींटियों का आपने रास्ता रोका तो उन्होंने कुछ अपने उनके जो व्यवहार था उसमें कुछ चेंज आया? ठीक है, ये आप करके देखेंगे सच। इसके बाद हम पढ़ते हैं, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध से पहचान सकते हैं। जैसे आपने देखा है जैसे चींटियों में सूंघने की क्षमता होती है, वैसे ही कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपनी जो फीमेल कीड़ा होता है ना उसको उसकी गंध से ही पहचान लेते हैं। अब जैसे रेशम का कीड़ा यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशम का कीड़ा अपनी जो मादा होती है, मेल और फीमेल आपने पढ़ा है ना, तो जो फीमेल होती है उसको कई किलोमीटर की गंध से ही पहचान लेता है कि वो कहाँ पर है। अब इनके अलावा मच्छर होता है बेटा, मच्छर में भी सूंघने की क्षमता पाई जाती है। कैसे? आपने नोटिस किया होगा कि आप बैठे होते हैं अक्सर मच्छर आ जाता है और आपको काटता है या आपके कान के आसपास घूमता है, आपको परेशान करता है, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें भी सूंघने की क्षमता तीव्र होती है और वो अक्सर हमारे शरीर की गंध, स्पेशली हमारे जो पैर के तलवे होते हैं उनको और हमारे शरीर की गर्मी से पता लगा लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं। अब आगे पढ़ते हैं, कुत्ते के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कोई कुत्ते होते हैं इधर उधर कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ सूंघते रहते हैं, ऐसा क्या करते हैं वो? सड़क पर जो कुत्ते पाए जाते हैं उनका अपना अपना एरिया बटा हुआ रहता है। अगर दूसरे एरिया का कुत्ता वहाँ पर आया है तो उस कुत्ते को सूंघकर पता लग जाता है, उसके टॉयलेट और लैट्रिन यानी उसके मलमूत्र से पता लग जाता है कि वहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता भी आया था। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा टीवी न्यूज़ में कि पुलिस जो है वो कुत्तों का इस्तेमाल करती है, उसकी जो सूंघने की क्षमता होती है ना वो अच्छी होती है, तो चोरों को पकड़ने के लिए, बॉम्ब ढूंढने के लिए या कोई खोया हुआ सामान ढूंढने के लिए अक्सर कुत्तों की मदद ली जाती है। ठीक है, तो अब हम पेज नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम जबानी डिस्कस करेंगे, इनको रिटर्न में मैं आपको लिखकर बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी जितना हमने पढ़ा है ये उसी में से क्वेश्चन है और कुछ है जो आपको मालूम है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए कि कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल खोया हुआ सामान ढूंढने के लिए या बॉम्ब को ढूंढने के लिए या फिर चोरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? आपने अपने रसोई घर में अक्सर देखा होगा कि खाने का सामान या कोई फ्रूट आदि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो आपको कैसे पता चलता है ये ख़राब है? देखने से तो पता चलता नहीं है, जैसे फ्रूट तो अक्सर हमें देख के भी पता चल जाते हैं, लेकिन खाने का जो सामान होता है उसमें कैसे पता चलता है? वो हमें सूंघ कर उसमें से एक अलग तरह की दुर्गंध यानी स्मेल आने लगती है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये सामान ख़राब हो गया है। तो इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप सूंघ कर पता लगा सकते हैं? तो जैसे घर में अगर गैस सिलेंडर लीक हो रहा होता है तो हमें उसकी स्मेल से पता चल जाता है ना, या फिर दूध उबल रहा होता है तो उसकी भी हमें स्मेल से पता चल जाता है, कहीं कूड़ा है तो उसका भी पता चल जाता है कि यहाँ आसपास कूड़ा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम सूंघकर हमारी शक्ति काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिना देखे आप किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हैं? तो ये तो सबके अपने अपने सेंस पावर होते हैं, किसी में सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो ये आप अपने तरीके से बताएंगे, खुद करके देखेंगे कि बिना देखे
सिर्फ सूंघ कर आप कौन कौन से ऐसे जानवर है जिनको पहचान सकते हैं, ठीक है? तो ये आप अपने आप से करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांच ऐसी चीज़ों के नाम जिसकी खुशबू या जिसकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है ना, और पांच ऐसी चीज़ें जिसकी गंध आपको अच्छी नहीं लगती है। तो जिसकी गंध अच्छी लगती है वो खुशबू होती है, और जिसकी गंध अच्छी नहीं लगती है वो बदबू होती है। तो अच्छी किस किस चीज़ों की लगती है हमें? साबुन हो गया, अगरबत्ती हो गई, परफ्यूम हो गया, तेल हो गया, इन सब की खुशबू हमें अच्छी लगती है। और किस किस की अच्छी नहीं लगती है? कचरा हो गया, खराब सब्जी हो गई, गोबर हो गया, मलमूत्र हो गया, इन सब की गंध हमें अच्छी नहीं लगती है। तो बेटा अभी हम आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। इतने आप क्या करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करेंगे, दोहरान करेंगे, ताकि आपको जितना हमने पढ़ाया हुआ है सब अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है? क्योंकि जब आपको इतना समझ में आएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, इसलिए इस चैप्टर को फिर से एक बार ही रीड करेंगे। ओके।